नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी, राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। न्यूजीलैंड में 102 दिन बाद कोरोना वायरस का पहला केस, सख्त लॉकडाउन का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। बोले, शुरुआती 72 घंटों में संक्रमण की पहचान होती है तो संक्रमण धीमा हो सकता है, ये बात लोगों तक पहुंचानी होगी। मास्क को लेकर रविंद्र जडेजा की पुलिस से बहस, महिला सिपाही से बदतमीजी का भी आरोप। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति पर बेटी का हर स्थिति में समान अधिकार। निकम्मा होने के गहलोत के आरोप पर पायलट बोले, मुख्यमंत्री मुझसे बड़े और सम्माननीय हैं, लेकिन मुझे भी काम के मुद्दे उठाने का हक है। हेल्थ क्लेम के पेमेंट का फैसला सीधे कंपनी करेगी, बीमा कंपनियां इन हाउस का काम शुरू कर रही हैं, टीपीए केवल दावों को प्रोसेस करेंगी। सोने के आभूषण की परख और हॉलमार्किंग के लिए हरियाणा के 9 जिलों में खुलेंगे केंद्र, सुनारों को हॉलमार्किंग के लिए अब नहीं जाना होगा दूर। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारी व अधिकारियों को कार्यशैली में और अधिक दक्षता लाने व नवीन तत्कानों व प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। मंगलवार को पंचकुला में आए 26 नए कोरोना केस, जिसमें सेक्टर 10 एक्सिस बैंक शाखा के 7 कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। चंडीगढ़ और पंजाब कोरोना के बढ़ते मामले में पहले और दूसरे स्थान पर, चंडीगढ़ किसी समय रिकवरी रेट में पहले नंबर पर था। पंजाब में नेताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए लागू नीति में बदलाव होंगे। राज्य सरकार इस मामले में अब संबंधित नेता और उनके परिजनों को अलग अलग सुरक्षा घेरा मुहैया कराने पर कल फैसला ले सकती है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।